हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे यार। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे जो अपना फ्लाइट चलने वाली हिसाब से जो ट्रायल है 12th of December को। तो मैं सोच रहा हूँ यार उसके बारे में कुछ बेसिक अपडेट वगैरह दे देता हूँ। जो अपना एयरक्राफ्ट है डोनियर 2851 शायद ऐसा सा कुछ नाम है, तो उसका मैं बेसिक डिटेल बता देता हूँ और आपको इस वीडियो के अंदर उसकी जो पूरी वीडियो है एयरक्राफ्ट की वो भी देखने को मिलेगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, यानी कब चलने वाला है हमारा, कब नहीं चलेगा। तो सारा इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा देखने को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नया है यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो चलेगी और लाइक ज़रूर करना और शेयर जरूर करें यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि अपना डेवलपमेंट वगैरह इस आर्मी में कैसा है, क्या हो रहा है और भी आसपास का एरिया है उसका। तो चलिए फिर अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए अभी एक मिनट की या 50 सेकंड की वीडियो है वो आप देखिए। मैं मोबाइल स्क्रीन को लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैंने डिस्कस किया बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अभी पहले मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तो मैं बेसिक डिटेल बात करता हूँ एयरक्राफ्ट की, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, यानी बाद में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रोल है वो है यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग डोनियर जिम्बे, ये अपना यहाँ पे हुआ था जिम्बिंग रघुए जनरल एटोमिक्स के अंदर, और फर्स्ट फ्लाइट थी ये अपनी 28 मार्च 1981 को उड़ी थी। इंट्रोडक्शन यानी जुलाई 1982 में ये हुआ था और स्टेटस अभी ये सर्विस के अंदर है। प्राइमरी यूज़ यानी इसका यूज़ वगैरह कहाँ पे होता है, तो मेनली ये एयरफोर्स, नेवी और अपना कोस्ट गार्ड में, और बाकी जो अपना टेस्टिंग वगैरह हो उसके अंदर भी हो जाता है। और प्रोड्यूस कब किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन, आगे नंबर ऑफ बिल्ट डोनियर इसका मॉडल नंबर वगैरह दे रखा है। तो ये थी अपनी बेसिक डिटेल, उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। आई होप आपने वीडियो वगैरह देख ली होगी जो आपने ये थी मोबाइल वाली। तो इसके अंदर मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है कि कब ये हुआ था और सर्विस किन किन में होती है, अपने एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में यहाँ पे यूज़ होता है। अभी जो मेन वीडियो आ जाती है उसकी हम बात करते हैं, तो वो हम भी वीडियो चला देता हूँ अभी मैं, तो वो भी शायद 2 या 3 मिनट की ऐसी वीडियो रहने वाली है, उसके अंदर आपको पूरा बताया गया है। मैंने ये जो इसकी वॉइस है वो म्यूट कर दी ड्यू टू सम इशू के कारण, तो बाकी आपको क्लिप वगैरह देखने को मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ या तो वॉइस ओवर या गाना चला दूँगा, तो आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए फिर अभी वो देखिए आप, उसके बाद एंड में मैं आपसे मिलता हूँ।
आई होप आपने देख ली होगी ये वीडियो भी। तो आप आई होप अगेन आप सभी को यार ये अच्छा लगी होगी कि एयरक्राफ्ट है ये अपना जो है वो टेस्टिंग के लिए आएगा 12th of December को, और देखते हैं कैसा क्या रहता है उसके बाद। और उससे पहले जो भी अपडेट वगैरह आएगी मैं पूरी कंप्लीट कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो वगैरह डाल दूँ जो भी अपडेट आएगी। तो अगेन वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।